हे गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो जैसा आज सुबह सुबह हुआ ये कि आज मैं अपने भांजे का, जो कि फोर्थ क्लास में है, उसकी कॉपी सबमिट करने के लिए उसके स्कूल आया था। उसके स्कूल का नाम है हिंद मोटर हाई स्कूल, जो कि उत्तरपाड़ा में ही पड़ता है और ये काफ़ी पुराना है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हिंद मोटर हाई स्कूल नाम इसलिए है क्योंकि भारत में पहली कंपनी थी जो अम्बेसडर कार बनाती थी, हिंद मोटर नाम से। और हिंद मोटर में अम्बेसडर कार का निर्माण हुआ करता था, जो कि भारत की पहली कार थी। और आज की डेट में ये प्लांट जो है बंद हो चुका है ड्यू टू सम रीज़न ये था कि इंडिया में और कई सारी कंपनीज आ चुकी थी उसके बाद, और लग्जरी कारें आ चुकी थी, जिससे इसके सेल में कुछ क्राइसिस हो गई, जिस वजह से इस प्लांट को इनको बंद करना पड़ा। अब जनरली ये कार सबको अलाउडेड नहीं होती हैं, कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह को ही मिलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रही है, लेकिन उसकी यूनिट ये जो उत्तरपाड़ा में थी, भारत में जो पहली बार खुली थी, ये इंडियन एक्ट 1947 के तहत जो है 1947 में इसका इनोग्रेशन हुआ था इस कंपनी का। ये मान के चलिए एक बड़े अमाउंट में यहाँ पे वर्कर्स काम किया करते थे, तकरीबन 20,000 से 25,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन आज के डेट में ये प्लांट जो है बंद पड़ा हुआ है। सो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी यूनिक चीज़ है, लोगों को जानना चाहिए। सोचा इस पर छोटा सा ब्लॉग बना दूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं इस बंद हुए प्लांट की, जो कि पहले धरोहर हुआ करती थी और इंडिया में इसका काफ़ी नाम था, सब जानते थे अम्बेसडर कार, हिंद मोटर कार जो है कंपनी बनाती है, वो आज बंद पड़ी है। मतलब ये उत्तरपाड़ा वाली यूनिट, मैं आपको इसकी टूर कराऊंगा, इसकी विजिट कराऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हिंद मोटर हाई स्कूल का जो कैंपस है, ये प्लांट के काफ़ी अंदर आने पर है। और ये प्लांट मान के चलिए कुछ नहीं तो करीब 50 एकड़ से ज़्यादा में फैला होगा, 50 क्या, मान के चलिए 70-80 एकड़ में फैला हुआ है, जानकारी मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये स्कूल अभी ओपन है, चल रहा है, बाकी सारी यूनिट, इसकी सारी कॉलोनी, इसके मैन्युफैक्चरिंग एरिया और इसकी कैंटीन, ये सारी चीज़ें बंद हो रखी हैं। तो आप एक बार स्कूल देख लीजिए और फिर मैं प्लांट की। हाँ, तो गाइज ये शुरू होता है मेन मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर के सारे टीन सेट वगैरह जो है खंडहर हो चुके हैं। और अभी मैं जस्ट एंटर किया हूँ यहाँ पे, आप बने रहिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरी यूनिट। देखिए गाइज, यहाँ पे टोटल अम्बेसडर कार की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, असेंबलिंग से लेके सारी चीज़ें। और टेस्ट ड्राइव एरिया बहुत लंबा चौड़ा यहाँ का है, मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगा, काफ़ी दूर है। बनने के बाद जो है टेस्ट ड्राइव होती थी, लॉन्चिंग होती थी, कई सारे काम यहाँ पे किए जाते थे। कुछ भी हो, प्लांट बंद हो या चालू हो, लेकिन आज की डेट में व्यू यहाँ का काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं गाइज, ये भी पूरा एरिया ही है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, पूरा सारा काम हुआ करता था। अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, कि मतलब डायरेक्शन तक भी नहीं है कि कुछ मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि कौन सी क्या यूनिट है, लेकिन डिज़ाइन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था इन लोगों का। हाँ, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे इतने हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 200% हो गया है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ पर। तो आप बने रहिए, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है हिंदुस्तान मोटर्स। ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, यहाँ पे सारे ऑफिशियल काम किए जाते थे। बाकी फैक्ट्री एरिया तो मैंने आपको लगभग दिखाई दिया है। और ये भी बेचारा अब खंडहर में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम तो ज़रूर उठाएगी इसके ऊपर, लेकिन फ़िलहाल अभी ये खंडहर ही है, आप ऐसा मान के चलिए। तो ये सोचिए कब का लिखा हुआ है। ये हिंद मोटर का ऑडिटोरियम है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती थी, कैंटीन भी है, प्लेग्राउंड है, मतलब अंदर बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं ऑडिटोरियम में, जो जो कुछ भी होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये जो यूनिट है ये भी पहले हिंद मोटर की थी, और आज की डेट में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लेके इसमें जो है रेल के पहिए का निर्माण होता है, इसमें ये यूनिट वर्किंग है अभी भी। तो यहाँ पे काम चल रहा है, जो कि पार्ट थी हिंद मोटर की, और किसी ने अब इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है उससे। तो अभी यहाँ पे रेल के पहियों का निर्माण होता है। ये जैसा कि फ्रंट गेट है, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड
हैवी इंजीनियरिंग डिवीज़न। तो यहाँ पे जो है हैवी इंजीनियरिंग डिवीज़न का ये पूरा सेक्शन है, और यहाँ पे अभी वही ट्रेन के जो है पहिए जो होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो गाइज आप एक लुक देख सकते हैं, देखिए मैनेजमेंट क्या करता है। खैर आज़ादी के समय पे ये पहली ऐसी कंपनी थी जो भारत को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देती थी इकट्ठा करके, इंडिया की इकोनॉमी में चार चांद लगाती थी। आपको ले चलते हैं हम आगे और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। ये सामने देख रहे हैं गाइस, ये बिरला ग्रुप ने ही इस मंदिर को बनवाया था। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो हिंद मोटर फैक्ट्री थी इसके निर्माणकर्ता जो है बीएम बिरला जी थे, और भगवान तो कभी कहीं जाते नहीं, अभी भी श्रद्धा का केंद्र है, ये लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और तब के ज़माने का ये मंदिर था, अभी भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी नक्काशी और डिज़ाइन से बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। और बीएम बिरला जी जो है इसके अभी प्रेजेंट टाइम के ही फाउंडर हैं। और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि राइट टाइम पे इसके जो सीईओ हैं ये प्रकाश साहू जी हैं। तो अब देखिए मैनेजमेंट क्या करता है क्या नहीं, आगे देखते हैं, आगे तो न्यूज़ में आएगा ही, क्योंकि ये भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। पहले लोग ग्रैंड फील करते थे कि हम अम्बेसडर कार में बैठे हैं। एक बार तो मुझे भी बैठने का मौका मिला था, गांव की एक शादी की बारात थी तब अम्बेसडर चला करती थी, तो उस समय मैं भी उस पर लुत्फ़ उठाया था। लेकिन अभी तो VIPs के लिए ही अलाउड है। आप देख रहे हैं दोस्तों पूरा खंडहर पड़ा बना है। उस टाइम पे यहाँ पे एक अजीब तरीके की रौनक हुआ करती थी जब लोग रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हैं बिल्डिंगें कितनी पुरानी हो चुकी हैं, ना ही रास्तों का कोई कुछ है, सारी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं एकदम खंडहर हुई पड़ी हैं। अब इस शेयर को क्या करता है अम्बेसडर, बेच देता है, रीओपन करेगा, क्या करेगा, ये तो वही जाने। फिलहाल यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने पे, काफ़ी नज़ारा, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी घने जंगल में आ गए हैं। अब वो रौनक नहीं रही, यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। ये सामने कॉलोनी है जो कि बंद आज खंडहर बनी पड़ी है। आपको और कुछ भी मैं दिखाता हूँ, आज मैं बिना फ्रेश हुए बिना नहाए हुए आया हूँ, निकला हूँ। और सौरभ जोशी ब्लॉग, नमस्कार भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, और जैसा कि आप अपने वीडियोस में काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि रियलिस्टिक चीज़ें ही दिखाऊँ। मेरे वीडियो में ज़्यादा कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता है, जो सामने दिखता है मैं वही दिखाता हूँ। तो मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप ही की तरह वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू मुझे इंस्पायर करने के लिए। तो आपको आगे जर्नी में निकल चुके हैं गाइज, आप वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा, प्यार दीजिएगा। जहाँ तक थी मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी गूगल पे और विकिपीडिया पे तो भर भर के मैटर पड़े ही हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा वीडियो को, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सौरभ जोशी जिंदाबाद।